अच्छा जी, अब हम सेलर आईडी उठाते हैं। आज हमने कीपा में फिल्टर लगा के कीपा में दो तीन तरह से हम हंटिंग करेंगे। आज चेक करेंगे कीपा किस तरह हम यूज करेंगे। तो हमें कोई एक सेलर आईडी चाहिए, ठीक है। कोई एक सेलर हम यहां से उठाते हैं। ये 24 रेटिंग्स के साथ काम कर रहा है, ये 50 रेटिंग्स है। तो 50 रेटिंग्स वाले की को तो लिंक को मैं ओपन करता हूँ और इसकी सेलर आईडी यहां से उठा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कीपा में जा रहा हूँ, कीपा को लॉगिन करें और डेटा प्रोडक्ट फाइंडर और सेलर आईडी जो मैंने कॉपी की थी उसको हम यहाँ पर सेलर की फील्ड है एक उसमें पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सेलर की फील्ड में पुट कर दिया। तो यहाँ पर लिंक पेस्ट करने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, कहीं कभी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि 475 प्रोडक्ट्स हैं इसकी, उसने कैलकुलेट कर ली। अभी तक प्रोडक्ट शो नहीं की, वो कहता है मजीद अगर आपको कोई फिल्टर लगाना तो लगा लो। अच्छा, अब हम और कौन सा फिल्टर लगाएंगे। एक फिल्टर जो मैंने आपसे कहा था कि आपने हर दफा लगाना है, वो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, कि हम अमेजोन को उस ऐसी सारी लिस्टिंग जहां पर अमेजोन बैठा बेच रहा है, हम वो लिस्टिंग जो है इग्नोर कर रहे हैं, हमें वो लिस्टिंग नहीं चाहिए। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आपके पास 318 प्रोडक्ट्स आ गई। तो ये वाला फिल्टर आपने पहले अप्लाई किया था, यहां तक काम किया लास्ट लेक्चर में। आज हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं और अपनी रिसर्च को थोड़ा सा और फाइन करते हैं। अब यहाँ पर आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम अगले फिल्टर में लगाएंगे। देखें, आप अमेजोन पे जब भी बेचेंगे तो आपकी प्रोडक्ट आसान तब होगी जब उसके अंदर वेरिएशंस कम हो या ना हो। जब वेरिएशन होती हैं तो वो प्रोडक्ट हमेशा मुश्किल होती है। जैसे कि टी शर्ट की एग्जाम्पल है या शूज की एग्जाम्पल है, उसमें साइजेस की वेरिएशन और डिजाइन की वेरिएशन, टी शर्ट है तो कलर की वेरिएशन भी साथ होगी। तो ये वेरिएशंस ऐड जब होती जाएंगी तो इन पे काम करना मुश्किल होता जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट्स को चुनें जिसमें वेरिएशंस ना हो। उसका फिल्टर भी यहाँ मौजूद है, उसको भी हम ये देखें। वेरिएशन यहाँ लिखा ऑल, तो हम नो वेरिएशंस पे क्लिक कर देते हैं। तो नो वेरिएशन पे क्लिक किया तो ये 145 प्रोडक्ट्स रह गई, ठीक है। ये हमने एक और फिल्टर अप्लाई किया जिसमें वेरिएशंस नो है, नो वेरिएशन। इसको हम फाइंड प्रोडक्ट करके यहां देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये एक डिश वॉशर है, मशीन है ये। अब ये हमें मिलेगी कहाँ से। अच्छा, ये मैंने बाय बॉक्स के बारे में आपको बताया हुआ पहले भी। यहां पर बाय बॉक्स इस वक्त किसके पास है। बाय बॉक्स किसके पास है इस वक्त। अगर आप देखो तो बाय बॉक्स का मतलब क्या है। बाय बॉक्स एक फीचर है अमेज़न का, जहां पर बाय नाउ या एड टू कार्ट का एक बटन होता है, कि दो बटन होते हैं। यहां पर आपको बटन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि बाय बॉक्स इस लिस्टिंग में नहीं है। इस लिस्टिंग में बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है, ठीक है। सुप्रेस्ड बाय बॉक्स वाली लिस्ट है ये। इस वक्त बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है। अमेज़न ने इस लिस्टिंग से बाय बॉक्स छीन लिया है, वापस ले लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग इससे खरीद भी सकते हैं और हम ऐसी लिस्टिंग पे जाके बेच भी सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखा हुआ है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 18 लोग टोटल आ गए हैं जिनके जिन्होंने ये वाली लिस्ट, इनकी प्राइस बताई हुई है, ये बेच रहे हैं। तो सबसे कम प्राइस में कौन बेच रहा है, ये वाला जो ऊपर ऊपर आपको नजर आ रहा है,
704.90 705.90 सेंट्स में ये, मतलब $705.90 में ये बंदा ये बेच रहा है, और ये सबसे कम प्राइस है, इसलिए ये सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है, बाकी प्राइसेस इससे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये बंदा FBM वाला है, ये भी FBM है, ये ड्रॉप शिपर है सारे, ये सारे ड्रॉप शिपर हैं, इसमें कोई भी FBA वाला हमें नजर नहीं आ रहा। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट आइडियली चाहिए होती है जिसमें सारे लोग ड्रॉप शिपर हों, ठीक है, जिसमें कोई भी FBA वाला ना हो, वो प्रोडक्ट आइडियल होती है हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ठीक ठीक है ना। ये लिस्टिंग एक ही है, इस एक लिस्टिंग पे 18 लोग अपनी अपनी चीजें बेच रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, अब इस लिस्टिंग का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, क्या ये लिस्टिंग इसकी यहां देखें कि इसकी जो अप्लायंसेस के अंदर इसका नंबर क्या है, 2746, ये इसका BSR बेस्ट सेलर रैंक है, और ये एक बड़ा अच्छा रैंक है, ये बुरा नहीं है, कोई भी रैंक जो कि 10,000 से नीचे है वो अच्छे रैंक्स में शुमार होता है, और जितना कम होता जाएगा नंबर उतना वो बेहतर होता जाएगा। मजीद आपने इसमें रिव्यूज चेक कर लेने हैं, इसके पास जो रिव्यूज हैं मोस्ट रिसेंट रिव्यूज में जाके देखना है कि आखिरी रिव्यू कब मिला था, 26 जनवरी को, January 7 को, December 23, फिर November, मतलब जनवरी के बाद कोई रिव्यू नहीं आया हुआ। तो आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी सेल्स कितनी है, तो इसकी सेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, फेब में कोई रिव्यू आया हुआ, ना मार्च में कोई आया हुआ, इसकी सेल्स ज्यादा नहीं है। लेकिन देखें ऐसी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो भी नहीं रही होती, ये कोई छोटी प्रोडक्ट नहीं है, बड़ी है, ठीक है, ये कोई किचन का आइटम नहीं है छोटा मोटा जो कि खाने पीने में इस्तेमाल होने वाला है, ये तो पूरी एक डीप फ्रीजर है या फ्रिज टाइप कुछ, ये सॉरी डिशवॉशर है, ठीक है, तो घर की एक बड़ी आइटम है जो कि $700 में बिक रही है। अब इसका हम महीने में अगर हमारा एक ऑर्डर भी आ जाता है ना, तो वो हमारे लिए इनफ है, क्योंकि इसमें $200-$250 का प्रॉफिट होगा, या कम अज कम 100+ होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या हमें इसका सप्लायर मिलता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका टाइटल कॉपी कर लें और इसको राइट क्लिक करके सर्च गूगल कर लें, तो आपको ये एक मिल गया, ये असल में ब्रांड की ही वेबसाइट है Dambi.com, ये उसी की ही वॉशिंग मशीन, ये डिशवॉशर है, Amazon.com पे भी पड़ा, होम डिपो पे पड़ा हुआ है, होम डिपो एक बहुत अच्छा सप्लायर है, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम होम डिपो को यूज करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है, तो होम डिपो पे ये चीज अवेलेबल है लेकिन $769 में, और अमेजोन पे कितने की है, अमेजोन पे बल्कि सस्ती बिक रही है, ठीक है, 705 में बिक रही है। अच्छा जी, और देख लेते हैं, वॉलमार्ट पे पड़ी हुई है 579, तो यहां पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 579 में और 705, तो यहां पर एक बड़ा डिफरेंस है, तो यहां प्रॉफिट मार्जिन निकल सकता है, ठीक है, तो वॉलमार्ट पे पड़ी हुई है, यहां भी 769 की लगी हुई है, जो मैंने दो नाम लिए हैं होम डिपो और वॉलमार्ट, ये बड़े सप्लायर्स हैं, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और यहां पर आप इनके साथ काम करने में कोई हमें झिझक नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, हम इनके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक नाम है, ये बहुत बड़े स्टोर्स हैं, ये आपके ऑर्डर्स को डिस्पैच करवाएंगे, ये फ्रॉड नहीं है, आपको छोटी मोटी साइट्स ऐसी भी मिलेंगी जो फ्रॉड होंगे, आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, वहां देखें ऑर्डर प्लेस करते वक्त पैसे पे किए जाते हैं, हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी है, वहां प्री पेमेंट होती है, तो प्री पेमेंट के केस में कई लोग वहां फ्रॉड भी कर जाते हैं, ठीक है, वो चीज डिस्पैच ही नहीं करते, आप वेट करते रहते हो, वो डिलीवरी होती नहीं। तो जब भी हमने किसी नए और छोटे सेलर के साथ या सप्लायर के साथ काम करना है, तो हमने
छोटी प्रोडक्ट्स पे काम करना है और उनको पहले टेस्ट करना है, उनके रिव्यूज चेक करने हैं जाके पहले कि ये सेलर कैसा है, ये सप्लायर कैसा है, उसके रिव्यूज चेक करने जाके। ठीक है, तो हमने ये एक प्रोडक्ट देखी जिसका हमें इसकी सोर्सिंग कहाँ से हो रही है, वॉलमार्ट से सोर्सिंग अच्छी हो रही है इसकी। ठीक है, ये दूसरी प्रोडक्ट है। इसी तरह आप मतलब सारी प्रोडक्ट्स देखोगे और इनको निकाल के चेक करोगे। अच्छा, अब हम कीपा की तरफ वापस आ रहे हैं और कीपा में जाके मजीद फिल्टर अप्लाई करते हैं। देखिए, हमने कीपा में अभी क्या अप्लाई किया था, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक और सेलर आईडी डाली और नो वेरिएशन में गए। ठीक है, ये तीन चीजें हमने की थी। अब हम अगर इसी कीपा के फिल्टर्स को कंटिन्यू करते हुए आगे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो करंट हमारे फिल्टर्स हैं ये भी रहेंगे और आप मजीद फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करते तो वो ज्यादा फिर रिफ्रेश हो जाता शुरू से। अच्छा जी, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक ऐसे रहेगा और अब हम एक और फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं इस पे बाय बॉक्स का, कि बाय बॉक्स हमें ऐसी लिस्टिंग चाहिए जिसमें बाय बॉक्स सुप्रेस्ड हो। ठीक है, हमें बाय बॉक्स नहीं चाहिए, तो बाय बॉक्स का यहाँ आपको मिलेगा ये देखें, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। वो कहता है कि क्या बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, हम कहते हैं ऑल या यस हम कर दें। ऑल करेंगे तो यस नो दोनों शामिल हैं, हम यस करेंगे तो इसका मतलब है कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड जी, कि बाय बॉक्स नहीं है। हाँ जी, बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड मतलब हमें ऐसी लिस्टिंग देखनी है जिसमें बाय बॉक्स नहीं है। अच्छा जी, आपने देखा था कि 32 प्रोडक्ट्स रह गई हैं सिर्फ, पहले 145 थी, बाकी सारी बाय बॉक्स वाली थी। तो मजीद इसमें कौन सा फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम और कोई अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, हम इसकी प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं, एक दो प्रोडक्ट्स ओपन करके इसलिए देखेंगे कि क्या वाकई ही हमारे पास जो लिस्टिंग आई है वो बाय बॉक्स सुप्रेस्ड वाली है। देखें, कभी कभी कीपा गलत रिजल्ट भी देगा आपको, इसलिए आपने तसल्ली करनी है आपने। ये मैंने तीन लिस्टिंग ओपन की है जी, पहली लिस्टिंग का बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है, आपको यहाँ बाय नाउ का या एड टू कार्ट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा बटन, तो ये सुप्रेस्ड बाय बॉक्स की लिस्टिंग है। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए ये भी हम देख लेते हैं, दो लोग हैं, नहीं सॉरी 14 लोग हैं, 14 ऑप्शन अवेलेबल हैं और मिनिमम प्राइस कितनी है, $51.79 और ये ड्रॉप शिपर्स हैं सारे। जब आपको ज्यादा लोग नजर आए और सारे FBM हों, इसका मतलब है कि वो ड्रॉप शिपर हैं सारे। ठीक है, कम लोग हों FBM हों तो उसमें ड्रॉप शिपिंग का जो चांस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि PL वाला ही FBM कर रहा हो, तो FBM भी देखना है और ज्यादा लोग भी होने चाहिए, कम से कम 5 लोग जरूर होने चाहिए। 5 से ज्यादा वाली प्रोडक्ट में आपने जाना है, उससे कम वाली में नहीं जाना। ठीक है ना। अच्छा जी, ये लिस्टिंग तो बाय बॉक्स सुप्रेस्ड वाली है, एक और लिस्टिंग देख लेते हैं, ये भी बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है और कितने लोग बेच रहे हैं ये भी देख लेते हैं साथ। 68 ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके। ठीक है, और सबसे कम प्राइस इसकी है 1978, जिसकी सिर्फ 2 रेटिंग्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टॉक नजर आ रहा है कि 8 पीसीज अवेलेबल हैं इसके पास, इसके पास 1 है, इसके पास 6 हैं, 2 हैं, तो ये भी ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट थी, बाय बॉक्स सुप्रेस और ये भी बाय बॉक्स सुप्रेस। तो यहाँ हमने देखा कि कीपा ने जो हमने तीन प्रोडक्ट्स निकाली हैं वो तीनों ही सही थी, अमेजोन भी नहीं था और बाय बॉक्स भी सुप्रेस था। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अपना नए फिल्टर में जाते हैं। अब एडवांस फिल्टर में मैं नहीं जा रहा, अब मैं शुरू में प्रोडक्ट फाइंडर में जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा सारे फिल्टर सारे खत्म हो गए, अब नए सिरे से मैं काम करूंगा। अभी देखिए, मैंने थोड़ा सा काम किया तो कोटा थोड़ा सा कम हुआ है, 99% पे आया। ठीक है, तो
मेरे ख्याल मैंने 2 से 3 फिल्टर लगाए हैं, इससे ज्यादा नहीं किया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं अमेजोन को, अच्छा अब हम करेंगे सेल्स रैंक को यूज, ठीक है। अब हम सेलर को पिक नहीं कर रहे, किसी खास सेलर को चूज नहीं कर रहे, अब हम सेल्स रैंक को यूज करेंगे। सेल्स रैंक मतलब BSR, बेस्ट सेलर रैंक। तो यहां पर आप लोग 500 से शुरू कर लो कि मिनिमम 500 हो और मैक्सिमम आप 10,000 लिख लो, ठीक है। यहाँ आप डिफरेंट नंबर्स दे के चेक करो इसको, क्या आता है रिजल्ट, क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए ये जो मैंने इस वक्त BSR सिलेक्ट किया है 500 से लेकर 10,000 तक, अगर हम ऐसी कोई लिस्ट लगाते हैं तो उसमें आपके पास ऑर्डर्स, मतलब आप अगर 10 की प्रोडक्ट लगाओगे, 10 का स्टॉक रखोगे तो रातों रात आपके 10 पीस बिक भी जाएंगे, क्योंकि ये वाला BSR जो है इसमें ऑर्डर्स की रेशियो ज्यादा होती है। जैसे ही BSR बढ़ता जाएगा नंबर 10,000 से 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, तो ऑर्डर्स की रेशियो कम होती जाएगी, सेल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने सिर्फ BSR लगाया है और मुझे उसने कहा कि ये 25,61,000 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई, इस BSR के अंदर 25,61,000 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई। अच्छा, हम मजीद क्या करते हैं, अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, 21,00,000 रह गई। अच्छा जी, मजीद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और काम करते हैं इसमें। हम यहां से कैटेगरी भी चूज कर लेते हैं। पहले हम एक सेलर को सेलर आईडी लगा रहे थे और कैटेगरी कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो कौन सी कैटेगरी में काम कर रहा है, लेकिन अब हम कैटेगरी चूज कर रहे हैं। तो कैटेगरी हम लगा लेते हैं ग्रॉसरी एंड गोरमे फूड, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाली कैटेगरी पिक की, तो आपकी प्रोडक्ट्स रह गए हैं 22,000, ठीक है, 22,000 रह गई सिर्फ। अच्छा, ये तो हमने कैटेगरी चूज कर ली, अब यहाँ लिखा है सब कैटेगरी, कि अगर कोई सब कैटेगरी आप इंक्लूड करवाना चाहते हो, आपको पता है ना कि एक कैटेगरी होती है उसके बाद नीचे सब कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा होता है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है मेन कैटेगरी अगर होम एंड किचन है तो उसके अंदर कई सारी और कैटेगरीज आएंगी, फिर किसी एक सब कैटेगरी में जाके आपकी प्रोडक्ट फिट आएगी, ठीक है। हमने ये एक लेक्चर में किया भी था, मैंने आपको ब्राउज नोट्स वाला करके दिखाया था, तो पिछला लेक्चर आप सुन लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। नहीं, ये एक सेलर के पास नहीं है, हमने सेलर आईडी यहाँ पर पिक नहीं की हुई, तो ये एक सेलर नहीं है, ये डिफरेंट सेलर्स की प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अब हमने कैटेगरी एक पिक कर लिया, तो यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी ग्रॉसरी और गोरमे फूड में होंगी। ये जो 22,000 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, इनमें 3 फिल्टर लगे हैं, एक है कि आपका BSR, एक रेंज हमने बताई है, दूसरा हमने कहा कि अमेज़न भी नहीं होना चाहिए, और तीसरा हमने कहा कि ये ग्रॉसरी में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर अभी तक हमने नहीं किया डिफाइन। अच्छा, अगर आपको कैटेगरी का पता है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इंक्लूड करवा दो इस कैटेगरी को, अगर आपको किसी कैटेगरी को एक्सक्लूड करवाना है तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। एक्सक्लूड क्यों करवाया जाता है, देखें कुछ आइटम ऐसी होती हैं जैसे कि ब्यूटी एंड केयर के अंदर, या आप ब्यूटी एंड केयर के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज होंगी जिनको आप सेल नहीं कर सकते, जिनकी अप्रूवल चाहिए होती है, कैटेगरी को अनगेट करवाना पड़ता है, फिर जाके आप उसको बेच सकते हो, तो वो वाली कैटेगरी अगर आपको पता हो तो आप उसको यहाँ एक्सक्लूड वाले कॉलम में यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। वैसे अगर ना भी यहाँ लिखोगे फिर भी ऐसी प्रोडक्ट जिसपे कैटेगरी का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है आप उसको बेच ही नहीं सकते उसके बगैर, जब आप लिस्टिंग करने जाओगे तो अमेज़न वहां आपको रोक देगा। अच्छा जी, हमने 3 कॉलम्स ऐड किए हैं, इसके साथ नो वेरिएशन वाला आपने कर लेना, वो इसलिए करते हैं कि हमें वेरिएशन से जो है वो वेरिएशन के साथ काम नहीं करना। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर बाय बॉक्स को अनक्वालिफाइड करना है तो ये यस कर दें, 700 रह गई हैं प्रोडक्ट्स, नो वेरिएशन पे चले जाएं तो 36 रह गई। अच्छा, आप कहते हैं कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड और बाय बॉक्स वाली सारी होनी चाहिए तो ऑल पे रहने दें, तो ये 2500+ प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जिसमें आप अपनी
प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनको अब आप ओपन करके उसी तरह से सप्लायर फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सबको? अच्छा, ये ग्रोसरी एंड गोरमे फूड के अंदर है, तो मैं कोई एक लिस्टिंग ओपन करता हूं और इसका सप्लाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। टाइटल कॉपी करके इसको गूगल में सर्च कर लें, या यहां राइट क्लिक करके भी सर्च गूगल लिखा हुआ है। अच्छा, ये करने के बाद आप देख रहे हैं कि amazon.com, ये तो हम ऑलरेडी यहां से आए हैं। ठीक है, amazon पे नहीं, हमें कोई और थर्ड पार्टी सप्लायर चाहिए। वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा जी, ये एक सप्लायर है सैम्स क्लब। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसमें अगर ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो ये हमें शायद प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए यहाँ से, क्योंकि ये सैम्स क्लब पे सबसे ज्यादा ग्रॉसरी की आइटम्स ही जो है वो बिक रही होती है। अच्छा जी, कौन सी आइटम थी? ये है, सैम्स क्लब पे ये आइटम जो है स्पेसिफिकली तो नहीं आई, लेकिन उसने खोल के दे दिया कि ये कैटेगरी उसके अंदर है। ये तो नहीं है, नहीं। आपको प्रोडक्ट उठानी होती है जो कि एज इट इज हो। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को जब भी लिस्ट करना है उससे पहले प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई बॉटल बेच रहे हैं, वाटर बॉटल है या कोई जूस है। अब जूस की क्वांटिटी, उसका साइज क्या है जार का, उसकी बॉटल का, और उसके अंदर कितने ml का वो बॉटल है, अमेजोन पे कितने की बिक रही है और हमें कितने की मिल रही है सैम से या किसी भी सप्लायर से, ब्रांड कौन सा है, ये सारी चीजें देखनी है आपने। ठीक है, ये नहीं करना कि यार एक जैसी तो नजर आ रही है, उसके ऊपर पढ़ना है आपने, देखना है कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। कुछ मेडिसिन या ऐसी होती हैं जो कि आपको पता है कि जो टेबलेट्स होती हैं उनके अंदर पोटेंसी होती है, 25 mg की मिल जाएगी, 40 mg की भी मिल जाएगी आपको। तो आपने ये नहीं देखना कि नंबर ऑफ टैबलेट सेम होनी चाहिए, आपने उसके ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशंस को देखना है, क्योंकि अगर आप उसके बगैर करोगे तो वो ऑर्डर जाने के बावजूद आपका कस्टमर आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न जब आएगा तो हमें प्रॉफिट की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। तो ये सैम्स क्लब एक अच्छा सप्लायर है गोरमे के हवाले से, गोरमे फूड के हवाले से या ग्रॉसरी के हवाले से। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये सैम्स क्लब पे पड़ी हुई है। कुछ सप्लायर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप पाकिस्तानी आईपी पे उनको ओपन नहीं कर सकते, जैसे कि होम डिपो है, कॉस्टको है, या और भी मिल जाएंगे आपको। उसके लिए आपको वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली आइटम भी हमें नहीं मिली उसके ऊपर।
ड्रॉप शिपिंग के अंदर सबसे मेन काम ही है प्रोडक्ट हंटिंग और सप्लायर हंटिंग, ठीक है। जिसका ये वाला काम जिसको आ गया उसने ड्रॉप शिपिंग में, वो मतलब है वो निकल जाएगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो एक सीक्वेंस में होने वाला काम है, वो आप 8-10 ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो आपको वो आ जाएगी, उसमें कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। वो एक फॉर्म ही है, उसको आपने फिल करना होता है, ठीक है। वो चीजें उठा उठा के अपनी और उस डेटाबेस में डालनी है अपने पास, बाकी सारा कुछ ये है असल काम। आप लोगों ने इस पे टाइम लगाना, इसलिए इसको स्टार्ट करें अभी से। अच्छा, मुझे सैम से कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मैं सैम से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम चेक करते हैं कि ये सैम्स में है या नहीं। अमेज़ॉन पे पड़ा हुआ है और ये सैम्स क्लब में भी पड़ा हुआ है। इसको जरा ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट सैम पे हमें जो मिल रहा है, और अगर हम इसे हम अमेज़ॉन पे बेचते हैं कोई प्रॉफिट बनेगा। तो अमेज़ॉन पे ये बिक रहा है 2109 का, और इसको कितने लोग बेच रहे हैं, 21 लोग, ठीक है। 21 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक तो प्रोडक्ट क्या सेम है, दोनों का कंपैरिजन करें। अब यहाँ पर देखें कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ लिखा हुआ है पर 1/4 इंच स्लाइस, और इसकी कैलोरीज भी मेंशन है, 17 कैलोरीज में है ये, और 2.2 ग्राम शुगर इसके अंदर है ये सारी। और नीचे आपको इसका वेट नजर आ रहा है, नेट वेट है 4 पाउंड 1.81 kg, ठीक है, 232 औंस लोस। तो ये सारी चीजें अब हम सैम पे देखते हैं कि क्या यही चीज है। हाँ जी, नेट वेट कितना है, 32 औंस, क्या इतना ही है, 907 ग्राम। वहां पर क्या था, देखें ये है पैक ऑफ टू में बिक रहा है, लिखा हुआ है टू पैक, ठीक है, और वहां पर वो सिंगल है, ये सिंगल है। जब आप अगर इस प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपने पैक ऑफ टू में बेचना है। आपके पास अमेजोन पे अगर एक ऑर्डर आता है तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी 2 सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वहां पर पैक ऑफ 2 में बिक रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सैम में, हाँ सैम हमें कितने में दे रहा है, पैक ऑफ 1 में। अगर आप 907 ग्राम को डबल कर लें तो ये कितने बनते हैं, 180, कितना बनेगा, इतना ही बनेगा जितना ये लिखा हुआ है, 1.81 kg, ऑलमोस्ट इतना ही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। तो यहां से तो ये चीज सेम हो गई, नेट वेट 4 पाउंड है, उसका नेट वेट कितना है, 2 पाउंड है, तो डबल होगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा जी, मजीद इसमें आप क्या देख सकते हैं, ये देखें यहाँ लिखा हुआ कैलोरीज 70, ठीक है, उसमें भी 70। अब टेढ़ा डब्बा पड़ा हुआ है इसलिए आपको, फिर भी यहां से आप देख सकते हैं कि ये 70 ही है। यहां भी लिखा हुआ कैलोरीज 70, तो ये ऑलमोस्ट प्रोडक्ट तो सेम है। अच्छा, अब हमने इसको 2 बेचनी है, तो अगर 2 खरीदते हैं तो हमें ये कितने में पड़ेंगी, अभी चेक कर लेते हैं। 21.96 में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है और $5 इसकी शिपिंग। मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मैं उसमें डाल रहा हूँ, चेक करते हैं कि प्रॉफिट होगा या नहीं। 21 पॉइंट क्या था, 21.96
और $5 शिपिंग। और ये प्रोडक्ट अमेजोन पे कितने में बिक रहा है? 21.09। ठीक है, तो ये हमें उल्टा नुकसान कर रहा है। अच्छा फिर भी देख लेते हैं, 21.04 में इस वक्त लिस्टिंग है। अगर आपने इसको लिस्ट करना है तो आपने इस बंदे से, ये जो बंदा बैठा हुआ है, ऊपर वाले को छोड़ देना आपने, ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ दें। आपने देखना कि ये जो बंदा बैठा हुआ है 21.04 वाला, इससे आपने 1 सेंट कम करना है, तो आप इससे 1 सेंट कम कर दें, 21.03 कर दें। ठीक है, ये अमेजोन की फीस कैलकुलेट हो गई, कितने में हमें मिल रही है प्रोडक्ट, ये शिपिंग चार्जेस हैं, तो हमें $9 का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हमें $9 का यहाँ पर लॉस हो रहा है ये प्रोडक्ट बेच के। अगर हम शिपिंग को जीरो भी कर दें, ये शिपिंग फ्री मिलेगी, फिर भी $4 का लॉस है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए जो है वो सही नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है। अच्छा जी, ये आपने देख लिया कि ये प्रोडक्ट हंटिंग, और इसके बाद आपने सप्लायर के पास जाके किस तरह से प्रोडक्ट को इवेलुएट करना है, और फिर आपने उसको लिस्ट करने तक अभी हम नहीं गए। ठीक है, लिस्टिंग अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों ने ये देख लिया कि ये प्रोडक्ट किस तरह से आपने फाइंड करनी है। अभी मैंने आपसे कहा था आपने 2 सप्लायर को फोकस करना है, वॉलमार्ट और सैम्स क्लब। ठीक है, तो सैम क्लब को मैंने अभी फोकस किया, तो उससे प्रोडक्ट मुझे तो कोई नहीं मिली, आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। हम देखें सैम पे इस वक्त आपको शिपिंग मिल रही है $5 की। हम आगे कल के लेक्चर में, ये मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हम कोई ऐसा काम करें ऑर्डर प्रोसेसिंग के वक्त, मैं एक्चुअल ऑर्डर प्रोसेस करूंगा आपके सामने, तो हम शिपिंग को फ्री करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी शिपिंग जो है वो $5 से कम होते होते जीरो पे आ जाए, ये आइडियल केस है, या थोड़ी कम जरूर हो जाए, $1 तक आ जाए, या 1 से भी कम हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आपको मैं ये दिखाऊंगा। चलो ये लेक्चर अब मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ।